नेचुरोपैथी को हम प्राकृतिक चिकित्सा भी कहते हैं। जो चिकित्सा हमारे प्राकृतिक चीज़ों से होती है उसे नेचुरोपैथी कहते हैं। जैसे जल से चिकित्सा करते हैं और मिट्टी से, वायु से और पानी से, उस चिकित्सा को हम प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। मिट्टी से चिकित्सा से हम लोग अपने जो हमारे यूज़फुल बैक्टीरिया हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ आजकल की जैसे हम एलोपैथिक चीज़ें यूज़ करते हैं उससे हमारे जो हमारे शरीर के लिए यूज़फुल बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो उनको भी मार देते हैं। इन प्राकृतिक चिकित्सा से हम उसके साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। और जैसे हम मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं अपने शरीर के विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए, उसी तरीके से हम अपने पेट को साफ़ करने के लिए और अपने हेयर्स के लिए इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जल की चिकित्सा हम हाइड्रोथेरेपी के रूप में करते हैं। जैसे हमें यूरिन का प्रॉब्लम है तो उसमें हम हाइड्रो बाथ ले सकते हैं। सन बाथ से भी हम लोग अपने विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे की चिकित्सा कर सकते हैं। मिट्टी की चिकित्सा कर सकते हैं, मिट्टी की पट्टी से हम लोग अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं। प्लस हम अपने पेट में कब्जी को दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें हम यूज़ ला सकते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए हम प्राकृतिक चिकित्सा को अपना सकते हैं।